नमस्कार मित्रों, मैं हरिराम कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, आज एक टॉपिक जो मैं पढ़ाने वाला था, अब एग्जाम के डेट भी आ रहे हैं आपके, वो टॉपिक का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। सेल डिवीजन तो मैंने करा दिया था बायोलॉजी का, सेल बायोलॉजी का भी थ्योरी का जो पोर्शन है कल से मैडम कराएगी, आज उनका व्रत है इसीलिए वो आज क्लास नहीं ले पा रही है। तो मैं दोस्त तब तक आपसे जुड़ा हूं जब तक अपने प्लांट फिजियोलॉजी की ये टॉपिक समाप्त ना हो जाए। बायोलॉजी की सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक माना जाता है वो है प्लांट फिजियोलॉजी, और सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो है प्लांट फिजियोलॉजी। तो आज हम बात करते हैं दोस्त प्लांट फिजियोलॉजी का, जो हिंदी है इसको कहते हैं पादप कार्य की। सर, मुझे तो सबसे पहले हेडिंग ही नहीं समझ में आया कि आप क्या बतायो। सही बात है, नहीं समझ में आया होगा कि पादप कार्यकी क्या है या प्लांट फिजियोलॉजी क्या है। इसके लिए दोस्त हम एक पेज लेकर आपको डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या है प्लांट फिजियोलॉजी, जरा आप समझें। अगर मैं बात करूं एनिमल फिजियोलॉजी की, जंतु कार्यकी की, तो आपके मस्तिष्क में क्या आता है, हम कौन कौन सी उपापचयी क्रिया करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस हम में क्या होता है। तो मैं श्वसन की क्रिया करता हूं, सही बात है, पाचन की क्रिया करता हूं, उत्सर्जन एक्सक्रीशन की क्रिया करता हूं, ये सारे जो रक्त परिसंचरण की क्रिया होते हैं हमारे शरीर में, ये तो हो गए जंतु का। सेम इसी तरह से प्लांट जो होते हैं, इन प्लांट में होता क्या है, सबसे पहले पानी ऊपर की ओर जाते हैं, इसको हम पढ़ते हैं दोस्त एसेंट ऑफ सैप में। किसमें पढ़ते हैं, एसेंट ऑफ सैप, जिसको हिंदी वाले बोलते हो रसारोहण। इसके पहले जो एक टॉपिक है दोस्त, इसको कहते हैं प्लांट वाटर रिलेशनशिप। प्लांट वाटर रिलेशनशिप यानी पादप जल संबंध के बारे में, पादप जल संबंध। तो अपना फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा इसमें क्या है, प्लांट वाटर रिलेशनशिप। आज हम केवल 10 मिनट आपको हेडिंग पढ़ा रहा हूं कि इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। उसके बाद जो टॉपिक है दोस्त क्या है, एसेंट ऑफ सैप, जिसको बोलते हैं रसारोहण, ये क्रिया आते हैं अपने प्लांट में। उसके बाद है मेरे दोस्त मिनरल एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जिसको कहते हो खनिज का अवशोषण, खनिज का अवशोषण, ये सारे प्रश्न आते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है जो ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन हिंदी में इसको बोलते हो बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन। अगला पॉइंट है मेरे दोस्त फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। पहले ध्यान से 2 मिनट देखें, फिर मैं समझाने की बात कर रहा हूं। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, और ये पीडीएफ आपको भेज दूंगा डायरेक्ट। अगला इसमें पढ़ेंगे दोस्त रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जिसको आप बोलते हो श्वसन। अगला टॉपिक है इसमें एंजाइम, एंजाइम, और लास्ट पॉइंट अपने पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ एंड पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पादप वृद्धि और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन के बारे में। तो इतने टॉपिक अपने पढ़ना है किसमें, पादप कार्यकी में। अब बच्चों हम समझेंगे कि पादप कार्यकी होता क्या है। यहां से अब आपको समझ में आने वाला है कि पादप कार्यकी क्या होते हैं। ये सारे प्रोसेस जो प्लांट में होते हैं, इन प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो ये क्रिया, ये कायिक क्रिया है जो कहां होते हैं, प्लांट में, और यही टॉपिक है जो आपको प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ना है। तो सबसे पहला इसमें जो टॉपिक हम शुरू करेंगे आज, वो है प्लांट वाटर रिलेशनशिप, पादप जल का क्या संबंध है आपस में, इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला है दोस्त पादप कार्यकी की,
और प्लांट फिजियोलॉजी का ये जो सारे टॉपिक आप पढ़ेंगे इसमें एक तो बड़ा अच्छा अपने पास ट्रिक है पादप जल संबंध में कि पानी उधर जाती है जिधर नहीं उधर जाती है जिधर विलय की मात्रा क्या होते हैं ज्यादा होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको आने वाले हैं। संसार में अगर पूछा जाए तो पादप कार्यकी यानी प्लांट फिजियोलॉजी के जनक कौन है तो ये है स्टीफन हेल्स। कौन है? स्टीफन हेल्स। और भारतीय पादप कार्यकी की जनक कौन है ये भी प्रश्न आते हैं जिसको बोलते हो आप इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के फादर अगर पूछा जाए तो आंसर दोगे दोस्त जेसी बोस। कौन देंगे? फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी अगर आपको पूछा जाए तो आंसर जाएगा आपका जेसी बोस। तो केवल दो पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है बताना, आप बताते जाओ कि पादप कार्य की प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन है अगर पूछा जाए तो स्टीफन हेल्स पूछा हुआ प्रश्न है, और इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के कौन है दोस्त? जेसी बोस। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, 10 क्लास लगते हैं, आपके एग्जाम आ रहे हैं, इसलिए मैं सोचा कि ये टॉपिक कंप्लीट करा दूं। और बायोलॉजी में एक ये टॉपिक बचा है और एक बचे हैं दोस्त बिल्कुल जो न्यू जेट में डाला था जिसको बोलते हो प्लांट डायवर्सिटी। प्लांट डायवर्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन उसमें रटने का सब्जेक्ट है तो लड़के क्या बोर होने लगते हैं। हम केवल उसमें 50 पॉइंट पढ़ेंगे दोस्त और वही प्रश्न आने वाले हैं तो इसके बाद वो टॉपिक शुरू करेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ डेफिनेशन अपने पढ़ लेते हैं दोस्त, और वो क्या है, इंग्लिश मीडियम के जो लड़के जुड़े हुए हैं वो आप यहां से समझो। सेम स्लाइड आपके इंग्लिश में नोट्स में भेज दूंगा, बना हुआ है स्लाइड आप, लेकिन यहां पे समझो। अगर वो सारे हिंदी इंग्लिश में लिखता हूं तो समझाने के लिए क्या मेरे पास जगह नहीं बचते हैं दोस्त, तो इंग्लिश की स्लाइड मैं भेज दूंगा। विसरण या डिफ्यूजन क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट समझते हैं कि क्या होता है डिफ्यूजन, किसको कहते हो आप डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मतलब एक पॉइंट केवल बिना पढ़े आप परिभाषा कैसे दोगे, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। सर सांद्रता समझ में नहीं आया, सही बात है, सांद्रता नहीं समझ में आया होगा तो अभी सांद्रता का मतलब केवल आप समझे यहां पे विलय की मात्रा, यानी किसकी मात्रा, मैंने केवल दिया सांद्रता का मतलब मात्रा, मैंने कुछ नहीं बोला कि इसमें ठोस है या द्रव है या गैस है, किसी की भी मात्रा। अगर केमिस्ट्री में आप बताते कि सांद्रता क्या होते हैं, एक पॉइंट आप समझ जाओ, इसको कहते हो कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल प्रति लीटर। ये क्या होता है मेरे दोस्त? मोल पर लीटर, यानी एक लीटर में विलय के सॉल्यूट के मोल की संख्या को ही हम कहते हैं दोस्त कंसंट्रेशन। तो ये हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, पर हमें बायो में क्या समझना है सर, अभी केवल विसरण के लिए समझना है सांद्रता का मतलब मात्रा। सांद्रता का मतलब केवल क्या समझोगे दोस्त? मात्रा। अब किसकी मात्रा, ये टॉपिक अपने छूटे हुए थे, कोचिंग में भी मैंने अच्छा से इसको पढ़ाया नहीं था, इसलिए यहां ढंग से पढ़ेंगे। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या जा सकता है? ठोस जा सकते हैं, सॉलिड जा सकता है, लिक्विड जा सकते हैं दोस्त, और क्या जा सकता है? गैस जा सकता है। अधिक से कम की ओर की ही गति क्या कहलाता है? सांद्रता। और इसको कहते हैं दोस्त विसरण। क्या कहेंगे? विसरण। यानी सांद्रता का मतलब क्या होता है? विलय की मात्रा। विलय को क्या बोलते हो? सॉल्यूट। विलय की मात्रा बिलियन में देखना है। देखो ये सारे हमारे ट्रिक है, ये कोई बुक में नहीं है। अगर कोई बिलियन बना दिया जाए, सॉल्यूशन बना दिया जाए, बिलियन को क्या बोलते हो? सॉल्यूशन बना दिया जाए, तो बिलियन में देखना है तो विलय की मात्रा को देखना है। विलय की मात्रा को ही हम क्या बोलेंगे? सांद्रता। सबसे छोटी छोटी पॉइंट समझे आप। अब है विसरण दर क्या होता है, तो गैस का विसरण अधिक होता है, द्रव का उससे कम और ठोस का सबसे कम। ये केवल दोस्त हमने स्लाइड पढ़ा और आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, ये मेरी गारंटी है।
अब हम समझते हैं अपने तरीके से कि विसरण होता क्या है। जरा देखें आप, सबसे पहला पॉइंट, विसरण में आपने क्या देखा कि अधिक सांद्रता से जाएगा कहां दोस्त, कम सांद्रता की ओर। ये कम सांद्रता है, लो कंसंट्रेशन जिसको बोलते हो, और ये क्या है, हाई कंसंट्रेशन। अब मैं एक एग्जांपल के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूं दोस्त, कि किस तरह से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है आप लोग सारे जुड़े रहो। ममता तू बोल रहे थे फिजियोलॉजी सर सही नहीं पढ़ाए हो, तो लो मैं फिजियोलॉजी फिर से पढ़ा रहा हूं। अगला, अब अधिक सांद्रता से, जैसे मैंने एक पानी का टैंक ले लिया, अब ये देखो टैंक है, इस टैंक में भरा हुआ क्या है, पानी, जरा देखना। अब इस पानी को इस नल से जोड़ा हुआ है और नल यहां पे है, देखें आप यहां पे है, तो बताओ पानी की सांद्रता यहां क्या है, देखना। अभी पानी की सांद्रता अगर बोल रहा, मैंने शब्द जोड़ दिया क्या, पानी की कंसंट्रेशन, पानी की सांद्रता यहां पे क्या है, ज्यादा। अब यहां पे नल लगे हुए हैं तो यहां पे सांद्रता क्या है, कम, तो अधिक से कम की ओर आना क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएंगे। क्या कहलाएगा, ये विसरण, जिसको डिफ्यूजन कहते हो। एक कमरा है दोस्त, और इस कमरा में यहां पे आपने एक अगरबत्ती जलाया, ये क्या है, ये अगरबत्ती। अब ये जो धुआं है, धीरे धीरे इस धुआं यहां पे फैलेगा, तो यहां पे इसकी सांद्रता क्या है, अधिक। किसकी सांद्रता अधिक है दोस्त, तो बोलोगे सर गैस की सांद्रता अधिक है। अब इंसान यहां पे बैठा हुआ है, यहां पे कोई आदमी बैठा हुआ है, तो बताओ ये धुआं धीरे धीरे अधिक से कहां जा रहा है, कम की ओर, तो इसको खुशबू आएंगे इस पर्सन को, तो किस क्रिया के द्वारा उसको खुशबू आया, तो आप बोलोगे सर विसरण की क्रिया के द्वारा उसमें क्या आए, खुशबू आए, तो ये कहलाता है एक विसरण। और विसरण में केवल ध्यान देना है दोस्त अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एक डिफ्यूजन का एग्जांपल, और डिफ्यूजन में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं रखेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल हम किस में लेंगे, ऑस्मोसिस में दोस्त, अगले स्लाइड में लेंगे। अगला जो पॉइंट है अपना, विसरण दाब क्या होते हैं, किसको कहते हो, डिफ्यूजन प्रेशर, यानी ये डिफ्यूजन प्रेशर क्या है। मान लिया जाए ये पंखा चल रहे हैं, और ये पंखा की हवा जो है, और नीचे हमने अपना हाथ लगा दिया, इस हाथ पे जो दाब लग रहे हैं उसको हम बोलेंगे इस हवा का दाब। जैसे पानी आ रहे हैं टंकी से, और नल को खोलकर नीचे हाथ लगा दो, हाथ ये क्या है, माध्यम, तो इस माध्यम पे जो दाब लग रहे हैं, प्रेशर लग रहे हैं दोस्त, इस प्रेशर को ही हम कहते हैं क्या, विसरण दाब। क्या बोलते हैं इसको, विसरण दाब। तो आप बताओ विसरित होने वाले अणु जो डिफ्यूज हो रहे हैं, वो चाहे परमाणु हो, आयन हो, किसी माध्यम या पदार्थ से विसरित होते समय एक दाब लगाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, विसरण दाब। ये आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, घबराना मत, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है, शुद्ध विलायक का विसरण दाब बिलियन से सदैव अधिक होता है। किसका, शुद्ध विलायक का विसरण दाब बिलियन से हमेशा अधिक होता है। सर नहीं समझ में आया, सबसे पहला ये क्या है, बिलियन, बिलियन कब बनेंगे बताना, यह एक सॉल्यूशन है। अब इसमें बिलियन कब बनेगा आप बताओ, ये सॉल्यूशन में जब होंगे इसमें क्या, विलय, क्या होंगे इसमें, विलय, और प्लस होगा इसमें विलायक, विलय प्लस विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे, तब ये क्या बनेगा दोस्त, तब ये बनेगा बिलियन। और अगर इसमें बिलियन है तो ये पानी को अपने से बाहर जाने नहीं देगा, ये पानी को अपने से बाहर जाने नहीं देगा, और पानी अगर बाहर नहीं जाएगा तो दाब ज्यादा लगेंगे या कम, दाब क्या लगेगा, कम लगेगा। जैसे
एक बिलियन से यहां छेद करके पानी निकालो, और एक एक्सपेरिमेंट हमने किया कि केवल इस बर्तन में हमने केवल शुद्ध पानी लिया और यहां पे छिद्र किया। अब यहां पे हाथ लगा दोगे तो किसका प्रेशर ज्यादा लगेगा? इस शुद्ध विलायक का। शुद्ध विलायक का दाब क्या लगेगा? अधिक लगेगा, यानी इसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या है दोस्त? अधिक। क्यों अधिक है? क्योंकि इसमें क्या है? विलेय, और विलेय पानी को क्या करता है? आकर्षित करता है। तो ये पूरी तरह से बाहर आएंगे नहीं, कम दाब के साथ बाहर आएंगे, इसलिए बोल रहा है शुद्ध विलायक का विसरण दाब बिलियन से सदैव अधिक होता है। तो इसका डीपीडी अधिक और इसका डीपी क्या, सॉरी डीपी, इसका डीपी अधिक और इसका डीपी क्या होगा? कम होंगे। सही है यहां तक? ये कभी पूछते नहीं है एग्जाम में। ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सॉल्वेंट का जो होते हैं उसका क्या होता है? डीपी ज्यादा होते हैं। किससे? सॉल्यूशन से। अगला पॉइंट देखें। अब आगे पॉइंट देखता हूं, विसरण का महत्व, यानी सिग्निफिकेंस TION ऑफ क्या है? डिफ्यूजन, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन विसरण का हमारे दैनिक लाइफ में क्या क्या महत्व है, जरा ये देखता हूं क्या महत्व है। इसके द्वारा क्या होते हैं? CO2 तथा O2 का आदान प्रदान होते हैं। CO2 तथा O2 का क्या होता है? आदान प्रदान। जैसे दिन के समय बोल रहा है, दिन के समय पत्तियों में क्या ज्यादा होंगे? प्रकाश संश्लेषण। और क्या कम होते हैं दोस्त? श्वसन तो हमेशा क्या रहेगा? सेम। पर दिन के समय अगर प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होते हैं, जरा देखें यहां, दिन के समय ये दिन का टाइम है और इस पत्ती में क्या हो रहा है? ज्यादा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हो, तो फोटोसिंथेसिस से क्या निकलता है बताना? ऑक्सीजन। क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। और श्वसन की क्रिया से क्या निकलता है दोस्त? रेस्पिरेशन की क्रिया से निकलता है क्या? CO2। तो दिन के समय पत्तियों में किसकी मात्रा अधिक हो जाएंगे? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन अगर वातावरण, जो वायुमंडल है, वातावरण के ऑक्सीजन से ज्यादा होगा तो पत्तियों से ये ऑक्सीजन बाहर आ जाएंगे, और यहां कोई आदमी सोया हुआ है, पर्सन सोया हुआ है, तो इसको क्या मिलेगा? शुद्ध हवा, ऑक्सीजन। तो ये जो आदान प्रदान होते हैं, प्रश्न पूछता है ये किस क्रिया के द्वारा होते हैं, तो ये होता है दोस्त डिफ्यूजन के क्रिया के द्वारा। लेकिन यही आप रात को पेड़ के नीचे आप सोते हो तो रात को क्या निकलता है? CO2, CO2, CO2। प्रकाश संश्लेषण तो होंगे नहीं, पर श्वसन की क्रिया होगा पत्तियों में, और इस CO2 वायुमंडल से अगर ज्यादा हो जाएंगे तो क्या निकलेगा बाहर? CO2। और यहां पे इंसान सोया है तो इसको क्या मिलेंगे? CO2। तो ये है नाइट की केस। तो रात में पेड़ के नीचे सोना चाहिए या नहीं? रात में तो नहीं सोना चाहिए, और दिन में कहां सोना चाहिए? पेड़ के नीचे, ताकि आपको शुद्ध वायु मिले। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं कि CO2 और O2 का आदान प्रदान किस क्रिया का उदाहरण है, तो किस क्रिया का है? ये है विसरण की क्रिया का एग्जाम्पल। सही है? चले अगला पॉइंट देखो। इसीलिए लोग ना इसमें नहीं कराते हैं अपने को, जितने भी लड़के हैं केवल आप प्रैक्टिस करने के लिए आते हो, जब भी थ्योरी पढ़ाने लगता हूं लड़के जुड़ते नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा एग्जाम तक अब क्या करेंगे, ये जितने टॉपिक हैं इसके केवल प्रैक्टिस करा दो। सही है? आप लोग कमेंट में लिखो अगर थ्योरी नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो फालतू मेरे को क्यों मेहनत करवाते हो। डायरेक्ट मैं प्रश्न लाऊं, जैसे कल विसरण की प्रश्न लेकर आ जाऊं उसी के साथ पढ़ा दूं आपको, डिफ्यूजन का प्रश्न ले आऊं, उसके बाद अस्पित दाब का ले आऊं, जो जो टॉपिक अपने कवर करने वाले हैं, तो आप जल्दी जल्दी इसमें बता दो हमें कि क्या क्या करना है।
लड़के जुड़ते नहीं है तो उससे क्या है, टीचर का मनोबल दोस्त थोड़ा सा कम हो जाते हैं, लगता है यार कि लड़के को समझ में नहीं आ रहे हैं। तो आप बता दो, केवल अगर प्रैक्टिस करना है तो भी बता दें कि सर प्रैक्टिस के साथ साथ ही आप क्या उसको बता दो कि किस तरह से आए। सही है, फटाफट आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या करना है, क्योंकि आप लोग जुड़ते नहीं हो तो मैं क्यों माथा खराब कर रहा हूं, मैं भी जाके सोऊं आराम से लॉकडाउन में। जल्दी से लिखे कमेंट में। अब ये प्रश्न है, जल्दी से बताएं, विलय की मात्रा सर्वाधिक किस में होता है? ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट स्टेम यानी कि तना, सेकंड ऑप्शन बी रूट यानी कि जड़, सी ऑप्शन पत्ती यानी कि लीफ और डी सभी। तो आप बताएं विलय की मात्रा सबसे ज्यादा किस में है? विष्णु बोल रही है कि सर टॉपिक बताकर क्वेश्चन लेकर आना बेस्ट रहेगा, और ये जीवन भर नहीं भूलते हैं। ये बात तो है, लेकिन अपने क्या लड़के आधा से ज्यादा गधे होते हैं जो आते हैं, उनको क्या लगता है यार 10 क्वेश्चन ऐसा करा दें कि जो एग्जाम में आए। ऐसा आज तक कोई टीचर नहीं मिलता है ब्रह्मांड में, वो तो कोई चांस है तुक्का कि वो प्रश्न आ जाते हैं। आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए दोस्त, आज रटे रटाए कोई नहीं देते हैं कि ये प्रश्न रट लो यही एग्जाम में आएंगे, हम लोग बेवकूफ है। आप अगर पढ़ते हो ऑनलाइन पे समय दे रहे हो तो हमेशा आप प्रैक्टिस के ओर मत जाओ, ये हमेशा दुखदाई होगा। हमेशा आप थ्योरी पढ़ें ढंग से, क्वेश्चन तो लाखों बन सकते हैं पर कॉन्सेप्ट एक बार बनते हैं दोस्त। पर आप क्या हो, क्वेश्चन क्वेश्चन कर लो और थ्योरी छोड़ दो, आपकी डिमांड ही गलत होते हैं। चले लीफ होगा लीफ होगा लीफ होगा, सारे सर थ्योरी साथ साथ करवा दीजिए सही रहेगा। चलो थ्योरी और क्वेश्चन बिल्कुल सही। तो बताएं सबसे ज्यादा विलय की मात्रा किसमें है, तना में, रूट्स में या पत्ती में? तो देखो ये दोस्त बड़ा अच्छा सवाल है कि सबसे ज्यादा विलय का मतलब लिखते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट इंग्लिश वाले का ये पीडीएफ अलग बना हुआ है, मैं भेज दूंगा। जैसे यह एक प्लांट है और इस प्लांट में ये पत्ती है, ये तना है, ये रूट्स है। तो आप जानते हो पत्ती में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, और इस फोटोसिंथेसिस के कारण इसमें किसकी मात्रा बढ़ेंगे, ग्लूकोज 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 की मात्रा बढ़ेंगे, और ये ग्लूकोज बाद में जाकर शुगर में कन्वर्ट होते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या है दोस्त, विलय है। ये क्या है, विलय है, जिसको बोलते हो सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट की सबसे ज्यादा मात्रा किसमें होते हैं, पत्ती में होते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा किसमें होते हैं, पत्तियों में होते हैं। तो आप ध्यान रखना, सबसे कम विलय की मात्रा किसमें होते हैं। अगला प्रश्न, सबसे कम विलय की मात्रा, दो का सबसे कम विलय होंगे दोस्त रूट्स में। किसमें होते हैं सबसे कम विलय, रूट्स में। और अगला प्रश्न आपके सामने है, सबसे ज्यादा विलय की मात्रा, तो ये मैंने बोल दिया इसका आंसर क्या आता, लीफ में। और यही कारण है कि सबसे पहले पानी कहां आते हैं, जड़ में, क्योंकि हमने बोला पानी उधर जाती है जिधर विलय की मात्रा ज्यादा होते हैं। और अभी से लेके 5-7 दिन इसी कॉन्सेप्ट को, केवल पूरी फिजियोलॉजी आप पढ़ जाओगे, पानी उधर जाती है जिधर विलय की मात्रा ज्यादा होते हैं। सही है, अभी आपको आएंगे एग्जाम्पल, पर थोड़ी फास्ट फास्ट करें। अगला जो प्रश्न है ये दिया है कि सिग्निफिकेंस में प्रसरण की क्रिया, जिसको बोलते हो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की क्रिया भी एक विशेष प्रकार की क्या है, विसरण की क्रिया है। यानी ऑस्मोसिस भी किसके जैसा होता है बताओ, प्रसरण भी किसके जैसा है, विसरण के जैसा, पर एक विशेष तरह की क्रिया है। सर विशेष क्या है, और ए स्टार लगाना, अभी बात करते हैं प्रसरण क्या है, डिटेल में बात करूंगा। लेकिन अब यहां पे जुड़ते हैं, श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों में आदान प्रदान किसके द्वारा होते हैं, जेट का डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है, देखना कोई जेट का अगर पेपर बना रहे हो तो उसमें है। श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों में आदान प्रदान जो होते हैं वो किसके द्वारा, फर्स्ट ऑप्शन आपको लिख देगा विसरण,
यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है दोस्त डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। सेकेंड ऑप्शन है आपका प्रसरण, प्रसरण जिसको बोलते हो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। थर्ड ऑप्शन है सी आपका है दोस्त, इसमें बोल सकते हो बाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन, बाष्पोत्सर्जन। और डी कोई नहीं, कोई नहीं। तो बताओ प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के दौरान जो गैस का आदान प्रदान होता है, मैं बता चुका हूं वो किसकी क्रिया है, वो है विसरण की क्रिया। और खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जिसको बोलते हो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल, तो फूड मटेरियल में आप जानते हो दोस्त पानी का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, पानी का होता है जाइलम के द्वारा, किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। जबकि भोजन का स्थानांतरण जो होता है दोस्त ये होता है फ्लोएम के द्वारा, किसके द्वारा होते हैं, फ्लोएम के द्वारा। तो ये दो पॉइंट भी आप ध्यान रखना, पानी का स्थानांतरण जाइलम के द्वारा और भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होते हैं, फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ऑस्मोसिस। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, अगर एक बार आपने फिजियोलॉजी पढ़ लिया, केवल फिजियोलॉजी इसलिए नहीं पढ़ो कि सर हमें जेट देना है, मेरे हर सब्जेक्ट, चाहे फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूं, सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा या हॉर्टिकल्चर पढ़ाऊंगा, आप जब तक एग्रीकल्चर में हो तब तक आप मुझे याद करोगे, चाहे आप बीएससी में पढ़ लोगे या एमएससी में पढ़ोगे, हर जगह ये चैप्टर आने वाला है दोस्त, फिजियोलॉजी, प्लांट हार्मोन, एमएससी तक सेमेस्टर में पढ़ना है तो वहां भी काम आएंगे आपको लिखने में, इसलिए आप थ्योरी पे ध्यान दे। अगला है दोस्त ऑस्मोसिस क्या होता है, प्रसरण। तो सबसे पहले समझे, हमने बोला प्रसरण एक विशेष प्रकार की विसरण की क्रिया है, किसकी क्रिया है, विसरण की क्रिया है। तो प्रसरण में अगर हमारे ट्रिक आप ध्यान रखोगे केवल, तो बड़ा मजा आ जाएगा आपको समझने में कि पानी जाएगा और पानी की जगह मैं लिख देता हूं विलायक, यानी ऑस्मोसिस में हमें केवल क्या समझना है, किसके बारे में समझना है दोस्त, विलायक के बारे में, किसको भेजना है केवल, विलायक को, किसको भेजना है हमेशा, विलायक को। पर विसरण में किसको भेज सकते हो, डिफ्यूजन में ठोस भी जा सकता है, द्रव भी जा सकता है, गैस भी जा सकते हैं, लेकिन प्रसरण में हमें केवल किसको भेजना है, पानी को, ध्यान रखोगे पानी को। अब ध्यान रखें, हमने यहां पे दो इमेज लिया, जरा देखना क्या है, इस बीकर में आपको दिख रहा होगा ये जो है इसको कहते हो विलेय, यानी ये है सॉल्यूट, जरा ध्यान से समझना, हमने दो बिलियन लिया, विलायक भी है विलेय भी है, तो दोनों मिलके क्या बना, बिलियन। यहां भी विलायक भी है विलेय भी है, दोनों मिलके क्या बना, बिलियन। अब हमने आपको पिछले स्लाइड में एक बताया था टर्म सांद्रता किसको कहते हैं, कि सर बिलियन में विलेय की मात्रा को कहते हैं सांद्रता। तो इधर विलेय क्या है मेरे दोस्त, अभी आप बताओ, इधर विलेय क्या है अभी बताओ, ज्यादा है, एक पॉइंट से समझाता हूं, विलेय क्या है, ज्यादा है, और इधर विलेय मैं बता रहा हूं अभी क्या है, कम है। ये एक एजम्पशन मैं ले रहा हूं कि इसमें विलेय ज्यादा और इसमें कम, तो ज्यादा अच्छा से हम समझेंगे। अब हमने एक पॉइंट क्या बताया कि पूरी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, पानी उधर जाती है जिधर विलेय की मात्रा क्या होता है, ज्यादा होता है। इसी पे रसारोहण की भी थ्योरी काम कर रहा है, बाष्पोत्सर्जन की थ्योरी काम कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, सबका आदान प्रदान केवल इस पे काम कर रहे हैं कि पानी उधर जाती है जिधर विलेय की मात्रा ज्यादा होते हैं। जैसे हम लोग को कभी हो जाता है ना कॉन्स्टिपेशन, दस्त हो जाते हैं, बार बार बाथरूम जा रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, यानी पानी आपके शरीर से निकल रहा है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, बेटा ओआरएस का घोल ले लो, देखना ये अपने पे भी काम करता है, ओआरएस का घोल ले लो। ओआरएस में होता क्या है, ओआरएस में होते हैं, आपको मैं बताऊं ओआरएस में क्या होता है दोस्त, तो ओआरएस घोल में होता है आपके सॉल्ट, एक तो नमक होते हैं और शुगर की मात्रा होते हैं, और इन दोनों को आप बोलते हो दोस्त सॉल्यूट। ये दोनों क्या है, विलेय, ये दोनों क्या है, विलेय।
जैसे ही ओआरएस मुंह से लेते हो आप, तो नीचे से पानी निकलना बंद हो जाता है, यानी पानी उधर जाती है जिधर विलेय की मात्रा ज्यादा होते हैं। आपके शरीर में विलेय बढ़ गया दोस्त, तो पानी अब बाहर नहीं जाएंगे। और ये कॉन्सेप्ट प्लांट में भी काम करते हैं और जंतुओं में भी काम करते हैं। अब आगे मैं बढ़ रहा हूं दोस्त। क्या पढ़ रहे थे कि सर आप बताओ फिर से, प्रासरण क्या है? प्रासरण क्या है? तो एक पॉइंट मैं समझता हूं अभी। प्रासरण के लिए मैंने बोला कि केवल आपको समझना क्या है दोस्त, विलायक। क्या समझना है? विलायक। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, प्रासरण आप एक सेकेंड में पढ़ जाओगे। मैंने एक इमेज लिया और प्रासरण में एक झिल्ली लेते हैं जिसका नाम है दोस्त, ये झिल्ली का नाम SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसको कहते हो अर्ध पारगम्य, पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जरा समझना एक पॉइंट को, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिया और इधर मैंने विलेय कम डाला। इधर विलेय क्या है दोस्त? कम। अब समझना, इधर विलेय हमने ज्यादा ले लिया, ये विलेय, इधर विलेय क्या है? ज्यादा। सबसे पहले बताओ एक कॉन्सेप्ट, ये बिलियन नंबर ए है और ये बिलियन नंबर बी है, दोनों को एक झिल्ली से पृथककरण किया गया, आइसोलेट किया गया, और उस झिल्ली का नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम झिल्ली। अब यहां से समझते हैं कि होगा क्या दोस्त, क्या होगा कि पानी किधर से किधर जाएंगे, ए से बी की ओर। सबसे पहले बताओ अगर इसमें विलेय कम है तो पानी क्या है, यहां विलायक क्या है? पानी इसमें है ज्यादा, और इसमें विलेय ज्यादा है तो पानी क्या है इसमें दोस्त? कम। ध्यान से समझना, अब पानी जाएंगे किधर, तो पानी के लिए एक ही पॉइंट है कि जिधर विलेय ज्यादा होंगे, तो विलेय ज्यादा किधर है? बी की ओर। किधर ज्यादा है दोस्त? बी की ओर। तो बताओ विलेय, बिलियन में विलेय की सांद्रता क्या है? कम। तो ये है सांद्रता कम, और इधर है दोस्त सांद्रता ज्यादा, सांद्रता ज्यादा, इधर सांद्रता कम, इधर सांद्रता ज्यादा, इधर कंसंट्रेशन कम, इधर कंसंट्रेशन ज्यादा। तो बताओ अब परिभाषित करो इसको कि प्रासरण किसको कहते हैं? विलायक का गमन, विलायक का गमन, पानी का गमन कहां से कहां? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, किसके द्वारा? अर्ध पारगम झिल्ली के द्वारा हो, तो इसको कहते हैं हम प्रासरण। क्या कहते हैं दोस्त? ऑस्मोसिस। किसको कहोगे? विलायक का गमन, विलायक का मूवमेंट कहां? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर, थ्रू किसके द्वारा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा, तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। सही है। अगला पॉइंट, ए पानी की मात्रा अधिक, अगर तो ए से बी की ओर मैंने पानी बता दिया। यहां परिभाषा क्या है दोस्त समझे, पानी का गमन कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्ध पारगम झिल्ली के द्वारा हो, तो उसको क्या बोलते हो आप? प्रासरण कहते हैं। प्रासरण के लिए पानी के लिए कहां से जाएगा? एसपीएम के द्वारा जा रहा है, और इधर किसके? अर्ध पारगम झिल्ली के द्वारा। और ये प्रासरण जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक को कहते हो एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, और दूसरा है दोस्त इंडोऑस्मोसिस, इंडोऑस्मोसिस, बाह्य प्रासरण और अंतः प्रासरण। प्रासरण कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन? एक को कहते हो बाह्य प्रासरण और एक को कहते हैं अंतः प्रासरण। अभी तुझे ये सरल लग रहा होगा क्योंकि सारे लड़के पढ़े हो कुछ ना कुछ, तो आपको लग रहा होगा यार बहुत इजी है, लेकिन जैसे ही अभी इसका मैं प्रैक्टिस लाऊंगा, अभी तो 2 बजे सर की क्लास होंगी आज कैलाश सर की, कल इसका जो अभी तक हम जितने पढ़ेंगे उसका प्रैक्टिस करेंगे। 10 दिन में अपने फिजियोलॉजी के 6 से 7 प्रश्न आते हैं बायोलॉजी में दोस्त, और ये सारे अपने होना चाहिए, एक भी गलत ना हो। तो सबसे पहला देखता हूं कि आपने देखा प्रासरण, समझो ये लास्ट पॉइंट अपना करा लेता हूं, प्रासरण ऑस्मोसिस। यहां से भी प्रश्न एक आते हैं, तो ऑस्मोसिस को आपने कितने तरीके में बांटा? 2 होते हैं, एक को कहते हो एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस जिसको हिंदी वाले बोलते हो बाह्य प्रासरण,
एक बार हिंदी लिख देता हूं, बाह्य प्रासरण, और अगला है इंडो ऑस्मोसिस। इंडो ऑस्मोसिस इसको बोलते हो दोस्त अंतः प्रासरण। अंतः प्रासरण जरा ध्यान से समझें, बाह्य प्रासरण किसको बोलते हो? अगर ये सेल है, कोई कोशिका है, और इस कोशिका से पानी बाहर की ओर आए, पानी कहां आ जाए? बाहर की ओर। पानी बाहर की ओर आप समझोगे तभी, नहीं तो स्लाइड केवल देखोगे तो कोई मतलब नहीं है। तो इसको बोलते हैं बाह्य प्रासरण। लेकिन अगर इस कोशिका में पानी बाहर से कहां आ रहा है? अंदर की ओर। ये मूवमेंट किसका है? पानी का। तो इसको कहेंगे दोस्त अंतःप्रासरण। क्या बोलेंगे? अंतःप्रासरण। और ये जो पानी आ रहा है एक झिल्ली से होते हुए आ रहा है, ये क्या है? कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली जानते हो ये उदाहरण किसका है? कोशिका झिल्ली किसका उदाहरण है? तो ये अर्ध पारगम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का उदाहरण है। इसीलिए ये कहलाता है दोस्त क्या? प्रासरण। क्या कहलाता है? प्रासरण। बाहर की ओर गए बाह्य प्रासरण, अंदर की ओर आया अंतः प्रासरण। अब हम यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं जो हर एग्जाम में पूछता है। जैसे प्रश्न आपको क्या दिया रहता है कि अगर अंगूर को यहां आप रटते हो, अगर अंगूर को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक बिलियन में रखा जाए, बिलियन में रखा जाए तो क्या होगा? जाए तो क्या होगा? ये हमेशा प्रश्न आते हैं दोस्तों, आप ध्यान रखना। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ये क्या होते हैं सर? हाइपोटोनिक समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा हाइपो का मतलब क्या होता है? हाइपो का मतलब होता है कम, और टोनिक का मतलब होता है जो सेम बिलियन आपने बनाया उससे कम सांद्रता। यानी एक सॉल्यूशन है और इस बिलियन में सांद्रता क्या है? कम। यानी विलेय की मात्रा क्या है दोस्त? कम। अगर मैं इसको लिखूं साइंटिफिक रूप से तो क्या बोलूंगा? कंसंट्रेशन क्या है? कम। अब आपने एक अंगूर डाला, ध्यान रखो ये क्या है दोस्त? अंगूर। कभी भी इस कॉन्सेप्ट से आप गलत नहीं करोगे। इसी प्रश्न को बार बार ऐसे पूछता है कि मान लिया जाए कोई इंसान ज्यादा नमक खाता है तो उसके शरीर में उसके आरबीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर कोई इंसान कम नमक खाता है तो उसके शरीर के आरबीसी क्या होंगे, फट जाएंगे, फूल जाएंगे, क्या होगा? ये सारे कॉन्सेप्ट इस पे आते हैं। तो बताओ आपका बिलियन कैसा है? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब इसमें सांद्रता क्या है? कम। पर अंगूर का टीएसएस आपको मैंने कल पढ़ाया था कि अंगूर का टीएसएस होता है मेरे बंधु, अंगूर का टीएसएस कितना होता है? 20 डिग्री ब्रिक्स। यानी अंगूर में पाया जाता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या है? विलेय है। सही है, ग्लूकोज क्या है मेरे दोस्त? विलेय है। तो इस अंगूर में विलेय की मात्रा ज्यादा है तो क्या होंगे? पानी उधर जाते हैं जिधर विलेय की मात्रा ज्यादा होंगे, तो पानी आने लगेगा बिलियन से कहां? अंगूर में। और ये अंगूर कैसा हो जाएगा? ये अंगूर फूल जाएगा। कैसा होगा दोस्त? अंगूर फूल जाएगा। लेकिन यही कॉन्सेप्ट आता दूसरा कि अगर अंगूर को, जल्दी से आप बताओ लास्ट प्रश्न, अंगूर को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, हाइपरटोनिक जिसको बोलते हो अति प्रासरी बिलियन, अति प्रासरी बिलियन में रखा जाए तो क्या होगा? जरा देखें, यह एक बिलियन है और इसमें विलेय की मात्रा क्या है? ज्यादा। यानी सांद्रता क्या है इसका? सांद्रता अधिक। तभी तो यह बिलियन कैसा कहलाया? हाइपरटोनिक। अब इसमें हमने डाल दिया इस अंगूर को, समझो ये चाशनी है, चीनी की मात्रा ज्यादा है, किससे ज्यादा है? इस अंगूर से भी इसमें क्या है? सांद्रता ज्यादा है। हमने क्या बताया? पानी उधर जाती है जिधर विलेय की मात्रा ज्यादा होंगे, तो अंगूर से भी पानी कहां आ जाएगा? बिलियन में। और ये क्रिया किसी कोशिका से बाहर आया तो कौन सी क्रिया कहलाएगा दोस्त? बाह्य प्रासरण। कैसा प्रासरण की क्रिया हो रहा है? बाह्य प्रासरण, जिसको बोलते हो एक्जो ऑस्मोसिस। कौन सा ऑस्मोसिस? एक्जो ऑस्मोसिस। और एक्जो ऑस्मोसिस के कारण
अंगूर श्रृंक हो जाएगा। कैसा होगा? श्रृंक यानी कि सिकुड़ जाएगा। और यही निर्माण करते हैं किशमिश का। किसका निर्माण करता है? किशमिश, जिसको रेजिन बोलते हो। तो पूछता है कि रेजिन बनाने के लिए बिलियन कैसा लेते हैं? तो बिलियन लेते हैं दोस्त कैसा? हाइपरटोनिक यानी अति प्रासरी बिलियन लेते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है तो सही। और कल यहां तक हम क्या करेंगे दोस्त? प्रैक्टिस करेंगे पहले। अभी 2 बजे आपके कैलाश सर की क्लास है। 10 मिनट में जान के लेता हूं ताकि वीडियो सेट करने में क्या लगते हैं, टाइम लगते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।